Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. इनोवेटिव मीन्स क्या? नवीनता. इनोवेटिव मीन्स व्हाट? नवीनता. नवीनता का मतलब क्या होता है? यू हैव टू यूज योर क्रिएटिविटी. यू हैव टू यूज योर, देखो बच्चे मैं एक एग्जांपल देता हूं. जीवन में कोई भी काम करना है तो आप हार्ड वर्क से भी कर सकते हैं, सॉफ्ट वर्क से भी कर सकते हैं. जो ज्यादा हार्ड वर्क यूज करते हैं वो कई दफा फेल हो जाते हैं. इसलिए कहते हैं Don't become hard worker, become smart worker. तो जीवन में hard चाहिए, smart चाहिए. क्या चाहिए? हमारे मन में वो smartness है, लेकिन हम उसको बाहर नहीं लाते हैं, क्योंकि हमारे पास positive energy का depletion है. जब हम meditation द्वारा वो positive energy को खुद में चार्ज कर लेते हैं, तो आपका मन में वो इनोवेटिव आइडियाज ऑटोमेटिकली आते हैं. समझ में आ रहे हैं आपको? समझ में आ रहे हैं? देखो एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको. एक जिग्जैंटिक ग्रेजुएट पर्सन केम इनटू द फील्ड ऑफ वर्क. उसको जॉब हंटिंग करता था, उसको कुछ काम चाहिए था. तो उसके कोई नॉन पर्सन उसको क्या कहा, आपको अगर काम चाहिए तो मैं टिम्बर फैक्ट्री में दिलाता हूं, जब तक आपको अपने रुचि का नौकरी मिले तब तक आप इस टिम्बर फैक्ट्री में काम करो. तो दैट मैन इज सो एंथुसियास्टिक टू गो एंड शो हिज टैलेंट. वो टिम्बर फैक्ट्री में मालूम है जो पेड़ काटते हैं ना, पेड़ काटते हैं ना, वुड का फैक्ट्री, उसमें चल गए. तो ये काम दिया गया उसको, क्या रोज आपको दो, रोज आपको दो पेड़ को काटना है. कितना पेड़ को काटना है? दो पेड़. दिस इज द टास्क. तो वो मैन जॉब रिपोर्ट किया, रिपोर्ट करके वो काटने में दो, उनको जो दिन के लिए 6 आवर्स दिया गया वो 4 आवर्स में दो काट लिया और बचे हुए टाइम में 3 काट लिया. नेक्स्ट डे ही केम टू वर्क, ही कट्स 4 trees. सभी का भी उसके तरफ क्या हो गया, अटेंशन बढ़ा और सब देखने लगा, ए व्हाट ए वंडरफुल गाय इज, व्हाट टेक्निक ही इज यूजिंग, ही इज डूइंग 2 days वर्क इन 1 day, कम लेट अस ऑब्जर्व हिज वर्क. ऐसे सोच करके एक इंस्पेक्शन पर्सन केम टू हिम फॉर द नेक्स्ट डे. उस दिन भी वो व्यक्ति उसी एक इंटरेस्ट से आकर के काम करना शुरू किया. रोज वो 4 काटते थे, 2-3 घंटा हो गया, वो आधा भी पेड़ को काट नहीं सका. What is the main things is happening here? Can you guess? Can you guess? क्या हुआ होगा उसको काटने में फेल होने? बोलो. Why ma? बोलो. Lack of concentration. Okay, her answer is somewhat okay. He is very good concentrative person. He came with same efficiency. Any other thing? Come on. Shout up. अपने को कब use करेंगे इस मौके को? बोलो. कुछ भी बोलो. इधर exam तो मैं नहीं ले रहा हूँ. I am just drawing your knowledge. That's it. I am not doing any test or exam. Yes, boy. लगन से नहीं किया उसने. अच्छा. और हाँ, ही हाइड इज इनोवेशन. ओके, एनीथिंग गर्ल्स? देखो मेरे पास मैडम क्लास स्कूल्स का नाम दिया, वो स्कूल वाले बोलना है अभी मुझे. एस्कॉर्ट से बोलो कोई ना कोई, एस्कॉर्ट स्कूल वाले बोलो ना. एनीवन, यू हैव टू शो योर टैलेंट. बोलो. Who are belonging to the escort school? Rise up your hand. तो इतने बेटे बोल नहीं सकते? उसने बोला है. हाँ बोलो मैं. Can you tell me? You can? Any other one? DPS? Put up your hands first. She tell. Telija? Telija?
उसका माइंड नहीं था. देखो आप सब कितने अच्छे अच्छे आंसर दे रहे हैं, लेकिन रूट कॉज को ये आप नहीं पकड़ा. द थिंग व्हाट हैपेंड हियर यू नो, रीजन रीजन चिल्ड्रन, द थिंग व्हाट हैपेंड हियर नो माय डियर चिल्ड्रन, वो व्यक्ति जब पेड़ काटता था उसका पूरा कॉन्सेंट्रेशन पेड़ को काटना था, लेकिन जो वो एक्स यूज करता है ना, वो एक्स को शार्प करने के लिए टाइम ही नहीं दिया उसने. Are you getting my point? पेड़ क्या काटने के लिए टाइम दिया, लेकिन पेड़ काटने वाला जो एक्स होता है ना, उसको दुलारी दुलारी और बोल गए तो मुझे नहीं होगा. एक्स माना सबको समझ में आ गए ना, समझ में आ गए ना, तो उसके लिए टाइम नहीं दिया. सेम वे हमारा इस बॉडी में मन उसी काम करता है. हम सब काम करने के लिए किसको यूज करते हैं, मन को यूज करते हैं. अगर आप इधर आना है तो भी मन में विचार होना है ना, मुझे जाना है. इधर जो भी सीखना है तो भी मन में विचार आना है, मुझे सीखना है. आपको खाना है तो भी मन में विचार आना है, मुझे खाना है. सोना है तो भी मन में विचार आना है, मुझे सोना है. ऐसा नो, यू आर यूजिंग योर माइंड इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर टास्क, बट यू नेवर गिव टाइम टू चार्ज योर माइंड. दैट इज द रीजन वी आर ऑल फेलिंग व्हाट आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज. समझ में आया? नेक्स्ट है ऑप्टिमिस्टिक. Optimistic mana, always see positive in every situation. We'll come to see in that slides. Next comes nobility. Nobility means kya? Hum hamesha kis degree mein aage badhna hai? Hamare jeevan mein jo successful persons already example ke roop mein hai, usko follow karke उनके तरह हमारा चरित्र को बनाना है, हमारा डेस्टिनी को बनाना है. समझ में आया?